सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी विद एलयूडी एंड बॉन्ड। हां जी दोस्तों, किस तरह से आपको जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट करना है एलयूडी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड का यूज करते हुए, और किस तरह से आपको इनवॉइसिंग करनी है 3B या GSTR1 पे, क्या इफेक्ट जाएगा जीएसटी रिटर्न पे, क्या इफेक्ट जाएगा, तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। एज लो टू डू, एज लो टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगन वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। सो दोस्तों, आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड का यूज करके आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरह से इनवॉइसिंग करना है, और R1 या 3B पे इसका क्या इफेक्ट जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ प्रेस करना है F11 और स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाने के बाद पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन यस करना है सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल। इसे यस करने के बाद आपका जो लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, लास्ट वाला ऑप्शन प्रोवाइड LUT या बॉन्ड डिटेल, इसको यस कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करी है जीएसटी पोर्टल पे जाके, तो उसकी डिटेल डालेंगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नंबर है क्या। अगर आपको नहीं पता किस तरह से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पे, तो जाके देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में होते क्या है दोस्तों, बता देता हूं मैं आपको। यहां पे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर देते हैं कि हम यहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। यहां पे हम बिना टैक्स की पेमेंट की सेल करते हैं, मतलब इनवॉइस के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर आता है। फिर वो हमें एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, उस एप्लीकेशन का नंबर हमें यहाँ डालना होता है। तो जाके जरूर देखें किस तरह से आपको फाइल करना है LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अभी दोस्तों बात करें, जैसे ही आप फाइल कर देंगे तो आपको LUT नंबर मिलेगा, और ये एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। जैसे अगर आप 19-20 के लिए फाइल कर रहे हैं तो 19-20 के लिए पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डालना होता है आपको LUT नंबर, कहता हूँ 36349, ये डाल लिया दोस्तों मैंने, और ये कब से एप्लीकेबल है, तो 1/4/2019, दैट मीन्स पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ले रहा हूँ मैं 19-20, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। ओके कर दिया, उसके बाद कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की डिटेल डाल दिया आपने, अब आपको लेजर क्रिएट करना होगा, ALC करेंगे, और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट LUT ऑब्लिक बॉन्ड करके ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट जो करने वाले हैं वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये बॉन्ड का यूज़ करते हुए करने वाले हैं, जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर आता है। एप्लीकेबल कर दिया GST डिटेल, उसके बाद सेट या अल्टर GST डिटेल, यहाँ से क्या करना है, एक्सपोर्ट लेना है ये वाला, एक्सपोर्ट LUT या बॉन्ड, एंटर कर दिया, गुड्स ले लिया, उसके बाद इसको कर लिया हमने सेव। अब क्या करना है दोस्तों, बस दो ही कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है। इनवॉइस पे आ जाएंगे, इनवॉइस पे आ गया, और मैं आज की डेट में इनवॉइस बना रहा हूँ, दैट मीन्स 2 नवंबर को, और यहाँ से पार्टी ले लेंगे। पार्टी क्रिएट करना होगा आपको, जैसे मैं यह पार्टी बताऊँ, निशिका इम्पैक्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया इसको सेव। आइटम जो बेच रहा हूँ वो पैकिंग बॉक्सेस है, और 1000 बॉक्सेस है, 40 का ईच है, 40,000 हो गया। यहाँ से आपको लेना है एक्सपोर्ट LUT या बॉन्ड का, ले लेंगे दोस्तों। टैक्स का लेजर सेलेक्ट नहीं करना, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है LUT एंड बॉन्ड का। इसके बाद एंटर करके यहाँ पे GST की डिटेल, यहाँ पे आपको शिपिंग नंबर लिखना होगा, शिपिंग नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया, डेट लिखना होगा 2 नवंबर, और पोर्ट कोड, पोर्ट कोड 6 डिजिट का होता है, तो पोर्ट कोड आप ले लेंगे। पोर्ट कोड लेने के बाद इसको कर लेंगे सेव, ठीक है दोस्तों, ये एंट्री हो गई सेव। इनवॉइस आपको दिखाता हूँ मैं, पेजअप करेंगे और ऑल्ट पी करेंगे, ऑल्ट पी करके इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे, तो प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देता हूँ दोस्तों। आप बिना पेमेंट ऑफ IGST के टैक्स इनवॉइस पे ये आपको दिख जाएगा कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट है, या सप्लाई कर रहे हैं SEZ यूनिट को या SEZ डेवलपर को, ठीक है, किसके साथ, अंडर बॉन्ड के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, बिना IGST की पेमेंट के, क्योंकि एक्सपोर्ट वाली जो आपकी सेल होती है जीरो रेटेड के अंदर आती है, और जीरो रेटेड में IGST एप्लीकेबल है। तो यहाँ हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं एप्लीकेबल, यहाँ पे टैक्स नहीं लगाएंगे हम इनवॉइस के ऊपर। ये इनवॉइस आपका रेडी है। अब दोस्तों मैं आपको GSTR1 और GSTR3B के ऊपर इफेक्ट दिखाता हूँ कि क्या जाएगा। अब हम आते हैं GST की रिटर्न में, यहाँ पे आ गया मैं 3B में, तो मैं ले लेता हूँ नवंबर में मैंने एंट्री करी है, तो 1 नवंबर से 30 नवंबर ले लेते हैं,
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जीएसटी 3B में ये आ गया आउटवर्ड सप्लाई में, यहाँ पे आ गया ये जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर देख सकते हैं टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स को इसने कैलकुलेट नहीं किया। इसी प्रकार से जीएसटी आर ऑन में दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से 1 नवंबर ले लिया और यहाँ से 30/11, तो देख सकते हैं दोस्तों ये भी आ गया, ये आ गया आपका 6A के अंदर एक्सपोर्ट इनवॉइस में। ये देख सकते हैं दोस्तों सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे पोर्ट कोड हो गया, शिपिंग डेट आ गई, शिपिंग नंबर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको एक्सपोर्ट करना है विद LUT एंड बॉन्ड, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड का यूज़ करते हुए, के अंदर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की सेल करते हैं हम, इसके ऊपर आपको टैक्स एप्लीकेबल नहीं करना होता। विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कैसे करना है उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा, तो जाके देखिए और समझिए। LUT एंड बॉन्ड के अंदर इस प्रकार से आपको सेल इनवॉइस बनाना है और इस प्रकार से आपको एंट्री करके अपने कंप्लायंस को R1 और 3B को मेंटेन करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।